नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ अनन्या जैन। हरियाणा सरकार ने 21 लाख से अधिक डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं से 6532 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए एक नई योजना शुरू की है। कुल बकाया राशि का 25% पैसा जमा करवाते ही उपभोक्ताओं के कटे हुए बिजली के कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। बकाया वसूली के फॉर्मूले पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने सीएम मनोहर लाल से चर्चा की है। मुख्यमंत्री को भरोसे में लेने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी को इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली निगमों के 21 लाख डिफॉल्टर उपभोक्ताओं में 15,41,286 ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिन पर पैसा बकाया है, लेकिन उनके कनेक्शन नहीं काटे गए हैं। उन्हें बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। इनमें बड़ी कंपनियों व सरकारी विभाग भी शामिल है। इन उपभोक्ताओं से निगमों को 3,798 करोड़ 48 लाख रुपए लेने हैं। 5,59,635 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बकाया के चलते कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इनसे बिजली निगमों को 2,074 करोड़ 22 लाख रुपए वसूलने हैं। दोनों तरह के उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने के लिए निगमों ने कुल बकाया का 25% जमा करवाने को कहा है। यह पैसा जमा करवाने के बाद उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। बाकी 75% पैसा 12 माह में समान किश्त में दिया जा सकेगा। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि उपभोक्ताओं को अपने मासिक बिजली खर्च बिल के साथ किश्तों का भी नियमित रूप से भुगतान करना होगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।